नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कवच को लेकर के एक प्रेजेंटेशन दिया था और बताया था कि कैसे हम ट्रेन और यात्रियों को सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए जरा इस वीडियो को। पैसेंजर एक्सपीरियंस कम्स फॉर स्टेशन ट्रेन सेफ्टी। So the safety system that world uses is practically a European system called ETCS. Very complex system. We decided to design and develop our own system out here, which has to be simple, which can be replicated, taken to the world. System called Kavach, it automatically stops. It's like if you compare with the current European system, which is ETCS L2, level 2, this is better than level 2 and comparable to level 3. Level 3, very few countries are there, but we are rapidly moving in this direction. This is a test in which I personally sat in one train, other train there was chairman of railway board. Same track, two trains coming at high speed and the Kavach stops the system exactly at 400 meters. Automatically. And automatically stop at almost. Both the trains automatically stop at exactly 400 meters. I took that risk. Being an engineer, I feel very comfortable and confident of our engineering talent in the country. जैसा कि आपने देखा, अश्विनी वैष्णव जो कि काफी तेज तर्रार मंत्री माने जाते हैं, आईएएस रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस कवच से कैसे पूरा सिस्टम सुरक्षित हो जाएगा। ये ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है जो कि रेलवे स्टेशन पर 1 किलोमीटर दूर लगाया जाता है और पूरे तंत्र को नियंत्रित करता है, यहाँ तक कि ट्रेन के स्पीड को भी। एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जिसके जरिए रेलवे ट्रेन हादसों को रोकने का प्लान बना रही है। कवच लोकोमोटिव में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की एक ऐसी प्रणाली है जो रेलवे के सिग्नल सिस्टम के साथ पटरियों पर दौड़ रही ट्रेन के स्पीड को भी कंट्रोल करता है। इसके जरिए रेल हादसों पर लगाम लगाने की बात कही जा रही थी और इसी बीच हो गया ये भीषण एक्सीडेंट जिसमें 280 लोगों की मौत हुई है, लगभग 1000 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि आने वाले समय में कवच सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। कवच सिस्टम को अब तक साउथ सेंट्रल रेलवे के 1445 किलोमीटर रूट के साथ साथ 77 ट्रेनों में जोड़ा गया है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर भी इसे इंस्टॉल करने का काम तेजी से चल रहा है, ये जानकारी उन्होंने दी थी। लेकिन जिन ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है इसमें कवच नहीं लगा हुआ था। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि यदि कवच लगा भी होता तो भी डिरेलमेंट से को रोकना मुश्किल है, आमने सामने की टक्कर रोकने में उससे मदद मिलती है। बारह अश्विनी वैष्णव का कवच पर दिया गया ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग सोशल मीडिया पे बहस कर रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं लगा कवच। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।